सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म मैंने आपको बताया कि किस वोल से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर. फाइन, ठीक है. तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये ड्रॉ कर लीजिए आप लोग अपने अपने बुक में. चलो नेमिंग कर लिया. दिस इज व्हाट पेटल, ठीक है. बेस से बढ़ते हैं. दिस इज व्हाट पेडिसिल. व्हाट इज पेडिसिल? फ्लावर का जो स्टॉक होता है ना, जो स्टॉक ऑफ अ फ्लावर छोटी सी दिखती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड पेडिसिल. ठीक पेडिसिल के ऊपर उसका एक बेस होता है. बेस लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस. क्या बोलते हैं? थैलेमस. पहले तो बेस लाइक स्ट्रक्चर को पेडिसिल बोला, बेस के ऊपर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, एक बेस सा स्ट्रक्चर, लाइक बेस स्टॉक है ये हमारा पेडिसिल, उसके बाद एक बाउंसी सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने थैलेमस दिया, ठीक है. थैलेमस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ओवरी. फाइन, ओवरी में क्या क्या होता है आई टेल यू. ओवरी में बेसिक जो चीज होती है वो होती है क्या, कोई बता सकता है? ओव्यूल्स. क्या पाए जाते हैं ओवरी में? ओव्यूल्स. और कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम लोग एज अ लोक्यूल और एज अ प्लेसेंटा कंसिडर करते हैं. ये जो किडनी शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा ऐसा 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 इंटीग्रेशन, that is called as locule. And the overall stalk of the ovule, jisme seeds ki tarah structure present hai ovule, that is called as placenta. Main iska ek alag se structure nikal deti hu, jaise ki ye hamara ovary hai. Fine, ye hamara kya hai? Ovary. Ovary ke andar aise koi structure present hai, ठीक है. इस स्ट्रक्चर को ये, यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स. ये पूरे थिन लेयर को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा. और ये जो स्ट्रक्चर कर्वेचर ले रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लोक्यूल. क्लियर? लोक्यूल, ओव्यूल्स, प्लेसेंटा.
ओवरी के अंदर इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होती है और एक दो ने मैक्सिमम नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं. ये जो डॉट 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 मैंने मार्क करा है ना, ये क्या होते हैं? ओव्यूल्स. और ये जो बाहर ये हमारा गोल सा है, ये हमारा क्या है? ओवरी. फाइन, क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? समझ में आया? इसके बाद बेस पे हम लोग बढ़ेंगे. ओवरी के बाद आता है ये जो ऐसे फ्लैप थिन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल. क्या बोलते हैं? स्टाइल. फाइन, उसके बाद एक स्टिकी सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा. क्या बोलते हैं? स्टिग्मा. फाइन, ओके. अब आपको मैं बता दूं कि इसको हम लोग बोलते हैं एंथर. फाइन, और यहां पे जो कनेक्टिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव. क्या बोलते हैं? कनेक्टिव. फाइन, और ये जो एंथर का जो स्टॉक है इसी को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट. कोई डाउट यहां तक? अब आप बोलोगे कि ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर निकाला है, व्हाट इज दिस ब्लू वाला स्ट्रक्चर? दिस इज कॉल्ड एज सेपल. क्लियर? देखो, मैंने तुमको ये नहीं बताया कि कौन सा मेल सेक्स ऑर्गन है, कौन सा फीमेल सेक्स ऑर्गन है. मैंने ये बताया है कि व्हाट दीज, मैंने हेडिंग डाला कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. फिर हमने देखा कि पार्ट ऑफ फ्लावर कौन कौन से. सबसे पहले देखा पेडिसिल, फिर देखा थैलेमस. थैलेमस में बहुत सारे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पेडिसिल के जस्ट ऊपर, और थैलेमस से ही एक्चुअली पता है सेपल्स अराइज होते हैं. बट वो हमें दिखते हैं कि इट्स लाइक बल्ज में दिखता है ना, सो दे इट्स टू बी अज्यूम्ड ऑन ओवरी, बट सेपल्स जनरली अराइज फ्रॉम थैलेमस. ये सारे ये तो बल्जिंग नेचर है सेपल्स का, जो पीछे से बल्ज हो रहे हैं. क्लियर? उसके बाद हमने देखा ओवरी. ओवरी के स्ट्रक्चर में हमने देखा ओवरी के पास सबसे पहले अंदर जो होता है फिल्म लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के पास कर्वी लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोक्यूल, और उस लोक्यूल के करस्पॉन्डिंगली क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल. कोई डाउट यहां तक? क्लियर? पेडिसिल, थैलेमस, ओवरी. ओवरी के बाद हमने ओवरी से ही एक स्टिकी रॉड लेंथ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हमने नाम दिया स्टाइल. ठीक है? और स्टाइल के ऊपर एक स्टिकी सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा. फाइन, ओके. नेक्स्ट पार्ट हम बढ़े जस्ट करस्पॉन्डेंस के. उसके बाद हमने देखा कि स्टिग्मा के जस्ट करस्पॉन्डिंग एक बैग सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने नाम दिया एंथर. फाइन, एंथर एक कनेक्टिव के थ्रू एक फिलामेंट से अटैच है उसी को हम लोग फिलामेंट बोले, और एंथर जिस फिलामेंट से अटैच है उसी को हमने क्या कहा? कनेक्टिव. पूरा पार्ट ऑफ फ्लावर देख लिया. अब देखिए कि मेल रिप्रोडक्टिव, मेल सेक्स ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव को ऑर्गन को क्या कहते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि एंड्रोशियम. मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा था मैंने? एंड्रोशियम कहा था. मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा था? एंड्रोशियम. एंड्रोशियम. सो पता है आप लोगों को ग्रुप, अब इसमें तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि स्टैमेन और पिस्टिल क्या है. अब सुनो, ग्रुप ऑफ स्टैमेन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम. ग्रुप ऑफ स्टैमेन इज टुगेदरली कॉल्ड एज एंड्रोशियम. अब स्टेमेन क्या क्या है? स्टेमेन क्या इंक्लूड करता है? स्टेमेन इंक्लूड्स एंथर प्लस कनेक्टिव प्लस फिलामेंट. ये तीन स्ट्रक्चर को, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? एक इकलौता स्टेमेन. और ऐसे कई सारे स्टेमेन को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम. लिंक समझ में आई कुछ? क्लियर? अब देखो, जैसे कि इसने कहा, जैसे कि ये पॉइंट कहता है एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट को क्या कहते हैं? स्टेमेन. फाइन, तो यानी अगर एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट को एक साथ देखा जाए तो इसको स्टेमेन कहेंगे. ये स्टेमेन, ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज टुगेदरली कॉल्ड एज एंड्रोशियम, जो कि हमारा मेल सेक्स ऑर्गन था. कोरिलेट हो रहा है ना? फाइन,
वैसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या कहा था? गाइनोशियम. क्या कहा था? गाइनोशियम. तो गाइनोशियम में, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ऑफ पिस्टिल फॉर्म्स गाइनोशियम. ग्रुप ऑफ पिस्टिल फॉर्म्स गाइनोशियम. पिस्टिल में क्या क्या इंक्लूड होता है? आई टेल यू. पिस्टिल इज इक्विवेलेंट टू स्टिग्मा प्लस स्टाइल. स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी. एंड ग्रुप ऑफ पिस्टिल को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम, विच इज फीमेल सेक्स ऑर्गन. यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो फिर से एक बार देख लो. मेल सेक्स ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम को क्या कहा हमने? ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम का जो एक पार्ट ऑफ एंड्रोशियम है उसी को हमने स्टेमेन कहा. और स्टेमेन में क्या क्या इंक्लूडेड था? एंथर, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव एंड फिलामेंट. यहां तक कोई डाउट? फाइन. फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या कहा था? गाइनोशियम. गाइनोशियम को क्या कहा हमने? ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज टुगेदर कॉल्ड एज गाइनोशियम. और पिस्टिल का कौन से स्ट्रक्चर को हम एक साथ कहते हैं? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. लुक एट हियर, स्टिग्मा से शुरू हुआ, स्टाइल से कंटिन्यू हुआ और ओवरी से खत्म हुआ. फाइन. दिस इज व्हाट फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड दिस इज व्हाट मेल सेक्स ऑर्गन. क्लियर? अब समझ में आया? इसी को हम लोग स्टेमेन बोल, इसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं, इसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं टुगेदरली. स्टेमेन, पिस्टिल या फिर कार्पेल भी बोलते हैं. फाइन. स्टेमेन एंड पिस्टिल. कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? समझ में आया? अब बात करते हैं कैलिक्स और कोरोला की. किसकी बात करते हैं? कैलिक्स और कोरोला की. इधर देखिए, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज कोरोला. ठीक है? एंड ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलिक्स. याद है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैलिक्स एंड कोरोला आर द एक्सेसरी वॉल्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द एसेंशियल वॉल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. फाइन. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्लियर? कोई डाउट यहां तक? क्या क्या देखा? देखो, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देखा हमने, और फिर उसके बाद हमने देखा कि कैलिक्स और कोरोला किसे कहते हैं. पेटल, सेपल, लोक्यूल, प्लेसेंटा, सब क्लियर? फाइन. नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज फ्लावर, और फ्लावर की राम कहानी पढ़ते हैं. थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल देखेंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन में ही हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. फाइन. चलो पहले फ्लावर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है एक्चुअली. अब हमें तो पता चल गया कि ये है थैलेमस, पर थैलेमस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या प्रेजेंट होता है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पेडिसल से और खत्म करेंगे एंथर और पिस्टिल से. कोई डाउट? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इसी में कंटिन्यू कर लो. फ्लावर के बारे में लिख लेते हैं. व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ अ प्लांट विच को हम लोग मॉडिफाइड शूट भी कहते हैं. किसको क्या कहते हैं? फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग. पहली बात तो क्या कहा है कि फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ अ प्लांट एंड जिसको हम लोग मॉडिफाइड शूट के नाम से प्रॉपरली एक्सप्लोर करते हैं. क्लियर? चलो कुछ पॉइंट्स लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मार्क इट. लिखो. फ्लावर के केस में लिखिए. पहला पॉइंट, फ्लावर इज अ सेक्सुअल. फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर. फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग. फ्लावर हैज
फ्लावर इज इसेंशियल एज इज इसेंशियल फॉर फ्लावर इज इसेंशियल फॉर एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स ornamental aesthetics ornamental क्यों because why we are marking this point you know because अगर जैसे importance of flower में mismatch में भी आ गया यानी match the following cross questioning में भी आ गया so you should know this all terminology fine कि flower अगर flower को अगर suppose जैसे option में pistil दे दिया तो आपको क्या female gametes के साथ compare करना है और अगर स्टेमिन दे दिया तो मेल गैमेट के साथ क्योंकि एंथर है एंथर में वो आगे पढ़ेंगे तो वैसे ही अगर फ्लावर दे दिया तो इसेंशियल फॉर एस्थेटिक्स ऑर्नामेंटल आगे मैं बता रही हूँ ठीक है सोशल रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू कल्चरल वैल्यू क्योंकि ये पक्का दिस इज व्हाट इट इज अ क्वेश्चन पॉइंट आंसर का पॉइंट है ये दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू टू राइट इट फाइन Flower is essential for aesthetics, ornamental, social, religious and cultural value. Fine. उसके बाद it is morphologically, morphological and embryologically or embryological marvels. These are question points. Okay, very very important points है ये marvels. In the and the sites of sexual reproduction sites of sexual reproduction of angiosperms sexual reproduction of angiosperms kya kya likha humne flower is a fascinating structure of the plant clear उसके बाद क्या लिखा फ्लावर इज एसेंशियल फॉर एस्थेटिक्स सबसे बड़ी बात एस्थेटिक्स ऑर्नामेंटल सोशल रिलीजियस कल्चरल वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है फाइन उसके बाद इट इज मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म व्हाई दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं मिसमैच में अगर फ्लावर आया तो उसके पॉइंट्स हैं ये क्रॉस मैचिंग के पॉइंट्स हैं ये That's why you should know. Aesthetics, ornamental, social. वैसे तो सबको पता है कि ये किससे होता है. But when the point comes for cross matching, any of the point can come. Fine? और एक simple basic सी बात जो है उसके इससे पहले वाले उसमें भी लिखा था अभी भी लिख लो. It is a modified shoot. अगर तुमको कोई कहेंगे कि define flower, it is a modified shoot. That's it. Fine? यहाँ तक कोई doubt? चलो अब थोड़ा structure पे पढ़ लें. सबसे पहले क्या है flower के पास? Pedicel. Pedicel. Fine. Pedicel, it is the stalk of the flower. It is the stalk of the flower. कोई doubt यहां तक Pedicel को stalk कहते हैं Next है क्या बताओ बताओ Phyllamis. Base of the flower. Base. Of the flower, base of the flower, which is a modified shoot, which is the modified shoot, base of the flower, which is the modified shoot, having. What? Having nodes and internodes. Nodes and internodes. क्या लिखा हमने दो स्ट्रक्चर देखे सबसे पहले मैंने आपको पेडिसल बताया था क्या होता है What is pedicel over here? It is the stalk of the flower. Fine. Second बात क्या कहते हैं कि thalamus. Thalamus क्या है pedicel के ऊपर जो structure present होता है base like structure. उसी को हमने क्या नाम दिया था thalamus. Thalamus के पास दो important दो चीजें होती है एक तो वो मॉडिफाइड शूट होता है प्रेजेंट अबाउट द पेडिसिल दूसरी बात उसके पास नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं फाइन इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स और मैं आपको बता दूं कि कैप्सुला या फिर प्लांट के केस में इस एंजियोस्पर्म्स के केस में नोड व्हाट इज नोड नोड्स फ्रॉम वेयर
many other voles arise. Many other voles arise. Nor वैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को हम बोल रहे हैं विच फर्स्ट ऑफ ऑल नोड्स इज प्रेजेंट ऑन थैलेमस. सेकेंड थिंग क्या कहता है कि नोड्स फ्रॉम वेयर मेनी अदर वोल्स अराइज. बहुत सारे और वोल्स इसेंशियल और एसेसरी वोल्स. ठीक है, वोल्स में भी कौन से वोल्स? इसेंशियल एंड एसेसरी वोल्स. यानी समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? आगे जैसे वही पॉइंट लिखने वाले हैं. ठीक है, इसेंशियल एंड एसेसरी वोल्स अराइज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नोड्स. And interdistance between two nodes, interdistance between two nodes is called as, interdistance between two nodes is called as, interdistance between two nodes is called as what? Internode. Fine. Okay, मैंने आपको क्या कहा कि थैलेमस के पास क्या प्रेजेंट होता है? नोड्स एंड इंटरनोड्स. फाइन, नोड्स हम उसको बोलते हैं जहां से वोल्स अराइज करते हैं, मेनी अदर वोल्स अराइज. तो वो दोनों वोल्स कैसे हो जाएंगे? इसेंशियल एंड असेसरी वोल्स की बात हो रही है. फाइन, दो वोल्स अराइज होंगे, दे वर टॉकिंग अबाउट इसेंशियल एंड असेसरी वोल्स जहां से अराइज होते हैं. फाइन, तो फिर हमने इंटरनोड को क्या कहा? इंटरनोड इज इंटर डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स. टू नोड्स के बीच में कैसा इंटर डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड. दो नोड्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? इंटरनोड्स. मैं आपको बता दूं कि नोड्स ऑन थैलेमस आर प्रेजेंट, नोड्स ऑन थैलेमस आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर. नोड्स ऑन थैलेमस आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर. नोड्स ऑन थैलेमस आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर. That's why we have very small internode. Fine, यहां तक कोई doubt? जो thalamus पे nodes present होते हैं, they are present very close to each other. That's the reason कि इंटरनोड उनका कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है. यानी डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज वेरी लेस. एज इफ लाइक टू नोड्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो इंटरनोड्स इज वेरी लेस. या फिर डिस्टेंस की बात हो रही है. फाइन, नेक्स्ट पॉइंट इज थैलेमस हैज फोर नोड्स. एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है. ठीक है, थैलेमस हैज फोर नोड्स. और उस फोर नोड से क्या क्या अराइज होता है, कौन कौन से वोल अराइज होता है, आई विल टेल यू. फाइन, यहां तक मार्क इट डाउन. फर्स्ट मार्क इट डाउन, फिर एक बार रिवीजन देख लेते हैं. क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा, पेटल, सेपल, पेडिसल, थैलेमस, सब कुछ देख लिया, लिख लिया क्या होता है, कैसा होता है. फिर हमने हेडिंग डाल दिया फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के डायग्राम में देखा. हम पॉइंट्स वाइज देख रहे हैं. तो अगर तुमको कहीं क्रॉस मैचिंग में या फिर क्वेश्चनिंग में आया कि फ्लावर को कैसे या फिर व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर, यू हैव टू रिमेंबर दिस फोर पॉइंट्स. इट्स लाइक मस्ट फॉर फ्लावर. फाइन, फर्स्ट थिंग व्हाट, फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर. सेकेंड थिंग व्हाट, इट इज एसेंशियल फॉर एस्थेटिक्स, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू. फाइन, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इट इज मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल्स ऑफ द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. नेक्स्ट इज व्हाट, अगर हम सिंपल टर्म में फ्लावर को डिफाइन करें तो व्हाट इज दैट? इट्स अ मॉडिफाइड शूट. नेक्स्ट क्या, हम स्ट्रक्चर पे पढ़ गए. फ्लावर के पास सबसे बेस पे क्या होता है? पेडिसिल, जिसको हम लोग स्टॉक ऑफ फ्लावर भी कहते हैं. कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट लिखिए थैलेमस, बेस ऑफ द फ्लावर विच इज द मॉडिफाइड शूट. थैलेमस को हमने कहा कि ये एक बेस है फ्लावर का, जिसे शूट, ये क्या है, ये शूट का मॉडिफिकेशन है, विच कंटेन नोड्स एंड इंटरनोड्स. फिर नोड्स क्या होते हैं? नोड्स, ये वैसा स्ट्रक्चर होता है फ्लावर पे जहां से कुछ वोल्स अराइज होते हैं. ठीक है, फ्रॉम वेनी अदर वोल्स अराइजेस, उसी वोल्स को हमने क्या कहा? इट मे बी इधर इसेंशियल वोल्स और इट मे बी इधर एसेसरी वोल्स. कोई डाउट यहां तक? फिर हमने देखा डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एज इंटरनोड. दो नोड के बीच का डिस्टेंस किसको कहते हैं हम लोग? इंटरनोड. नोड्स ऑन द थैलेमस आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर. जो ये नोड्स होते हैं ना, वो थैलेमस से बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट होते हैं ईच अदर के. नोड्स ऑन द थैलेमस आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वी हैव वेरी स्मॉल इंटरनोड. इंटरनोड कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है.
And अगर thalamus की angiosperm की thalamus की बात करें तो it has four nodes. कोई doubt यहाँ तक? चलो next point लिखें. यहाँ तक लिख लीजिए. Make a note. मैंने आपको बताया कि थैलेमस हैज फोर नोड्स. वो फोर नोड्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर नोड से क्या क्या अराइज होते हैं हम अब देखने वाले. फर्स्ट एंड द लोएस्ट नोड, फर्स्ट एंड द लोएस्ट नोड, first and the lowest node from which the leaves arises called calyx. Ya fir sepals likh sakte ho, calyx sakte ho, sepals ye bhi likho, right? Sepals is called as calyx. Fine. Pehla node, that is the lowest node from which the leaf arises, sepals, is called as calyx. Clear? Chalo. Next, second node from which the corolla arises. Second node, ye waisa node hai jahan se corolla arise karta hai. First node se calyx arise karta tha, second node se corolla arise karta hai, theek hai? And third node, any guesses? Androecium. From third node, androecium arises. Koi doubt? Clear hai, sab kuch likh likh ke padha hai, theek hai? From third node, androecium arises. Phir fourth node ki baat kare, kya arise hota hai? Gynoecium. कोई डाउट? क्लियर? मैंने आपको बताया थैलेमस हैज फोर नोड्स, फाइन. उसके बाद हमने डिस्कस करा कि द फर्स्ट एंड द लोएस्ट नोड से क्या अराइज होता है, फ्रॉम व्हिच द लीव्स अराइजेस. सेकंड नोड से क्या अराइज होता है, फ्रॉम वेयर द कोरोला अराइजेस. थर्ड नोड से एंड्रोशियम अराइजेस. फोर्थ नोड से गाइनोशियम अराइजेस. कोई डाउट? राइट डाउन. चलो नेक्स्ट हेडिंग में एक आपको छोटा सा एक अच्छा सा पॉइंट बताऊंगी, दैट इज मिटा दो नेक्स्ट पॉइंट में देखता हूं. चलो समझ में आ रहा है? बस इसके बाद वी विल बी मूविंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देख लेंगे. थैलेमस से चल रहे हैं, फिर उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बढ़ेंगे जिसमें देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है? फिर टॉपिक पे आ रहे हैं धीरे धीरे. This all are very, it's not like it's not used, it's like link. If we know this, then okay, pata to ho na what is link, what is node, what is no, internode. Ab internode aur node ke beech ka difference bhi kya kehte hain? Internode ko hi agar do internodes ke beech ka jo hai agar distance, jaise main aapko bata do, theek hai? Aise ek table ke form mein yaad rakhne ke liye is star point bhi likh sakte ho. Internode between called as, ठीक है? Example, लिख लो example. कैसे? ऐसे क्यों बनवाया पता है आपको? क्यों? क्योंकि अगर पन्ने भी पलट रहे हो ना तो सिंपल सा 1 2 3 3 लिखवाऊंगी तो तीन 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 कैसे रिविजन के वक्त वैसे पॉइंट बाय पॉइंट सब पूछो जा रहा था, तो इसलिए ऐसे कैसे याद रखने में आसानी होगी. फाइन, चलो. इंटरनोड बिटवीन calyx and corolla, calyx and corolla,
is called as anthophore. Anthophore. उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डायंथिस. डायंथिस. और दूसरा एग्जाम्पल है फाइलिन प्लांट. ठीक है, कैलिक्स लिख लो फिर मैं समझाती हूँ. फर्स्ट, सेकेंड कोरोला और एंड्रोशियम. कोरोला और एंड्रोशियम के बीच के इंटरनोड को वी कॉल इस एज एंड्रोफोर. एंड्रोफोर यानी इनके पीछे डिस्टेंस ज्यादा है तब क्या कहते हैं इंटरनोड. इनके भी अगर कैलिक्स और कोरोला के बीच में डिस्टेंस इंटरनोड के बीच में दो इंटरनोड के कैलिक्स मैं आपको समझा रही हूँ. एंड्रोफोर उसका एग्जाम्पल है पैसिफर्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट. एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम उसको हम लोग कहते हैं गाइनोफोर. उसका एग्जाम्पल है केपारिस. ठीक है, मार्केट लिखो फिर समझाते हैं. ऐसे लिखना चार्ट वाइज. फाइन, मेक इट नोट. एक और अच्छा सा पॉइंट बता दूं मैं आपको कि इफ एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट called as उसका example है gynandrophis फाइल. देखो मैंने आपको बताया अगर दो इंटरनोड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है यानी टू इंटरनोड्स आर मोर इंटरनोड मैक्सिमम जाऊंगे बिटवीन या फिर मैक्सिमम. पहले तो मैं आपको बता दूं ये नोड और ये इंटरनोड कैसा होता है. जैसे ये देखो भाई, ये है हमारा थैलेमस. ठीक है, ये हमारा थैलेमस है. यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है, यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है मान लेते हैं, क्योंकि हमने वैसे भी देखा है कि थैलेमस के पास क्या चार नोड्स हैं, तो हमने अपने चार नोड्स ड्रॉ कर लिए. एग्जैक्टली, फाइन. जनरली इंटरनोड्स कम होते हैं. इंटरनोड कैसे होते हैं? इंटरनोड्स आर स्मॉल. फाइन, इतना है. बट इन केस इफ इंटरनोड्स आर मैक्सिमम और मोर, उस कंडीशन को हमने यहां पे पढ़ा. इफ इंटरनोड्स आर मैक्सिमम और मोर, हम ये कंडीशन देखें. फाइन, तो ये हमारा नोड है जहां से कोई वॉल अराइज होगा, ये भी हमारा दूसरा वॉल है जहां से दूसरा अराइज होगा, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा है. दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? इंटरनोड. फाइन, और इसको हमने क्या कहा था? नोड. नोड टू नोड्स के बीच का डिफरेंस इंटरनोड. क्लियर? दिस इज व्हाट द नोड एंड इंटरनोड कॉन्सेप्ट इज. नोड एंड इंटरनोड. फाइन.
मतलब जो इंटरनोड मैक्सिमम है, कैलिक्स और कोरोला का जो नोड है, मान लिया ये हमारा कैलिक्स है, ये हमारा कोरोला है, ये हमारा एंड्रोशियम है, ये हमारा गाइनोशियम है। अब ध्यान से समझना, ठीक है? तो अगर कैलिक्स और कोरोला का इंटरनोड मैक्सिमम है तो उसको हम लोग, वैसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, एंथोफोर। उसका एग्जाम्पल है डायंथिस और साइलिन प्लांट, क्लियर? अगर कोरोला और एंड्रोशियम का जो इंटरनोड मैक्सिमम है, ठीक है, इंटरनोड मैक्सिमम है, वैसे प्लांट को हम लोग एंथोफोर कहते हैं। एग्जाम्पल पैसिफोरिस, फाइन। उसके बाद हमने देखा अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम का इंटरनोड मैक्सिमम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोफोर। वो प्लांट को क्या कहते हैं हम लोग, गाइनोफोर। उसका एग्जाम्पल है कैपेरिस, फाइन। उसका एग्जाम्पल क्या है, कैपेरिस। नेक्स्ट वन कहता है एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ऐसा भी तो हो सकता है कि अब अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम का, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को क्या बोलते हैं, गाइनोफोर। ये